नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार रेलवे को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। असम सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 300 से अधिक पर्यटन स्थल विकसित करेगी। केंद्र अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में 3 खेलकूद उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा। सूडान में सत्तारूढ़ सैन्य परिषद के विद्रोहियों की मांग स्वीकार करने के साथ ही राजनीतिक संकट समाप्त। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपने अंतिम लीग मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। पहले सेमीफाइनल में मंगलवार को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने भारतीय रेलवे को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त निवेश न होने की वजह से देश में रेल बुनियादी संरचना में पिछले 65 वर्ष के दौरान मात्र 30% की वृद्धि हुई है, जबकि यात्री और माल यातायात 1500% बढ़ा है। वे कल पणजी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह से अलग संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। असम सरकार ने राज्य में 316 पर्यटन स्थल विकसित करने का फैसला किया है। असम पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक भास्कर फुक्कर ने आकाशवाणी के कार्यक्रम में बताया कि असम दर्शन परियोजना के तहत इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े युवकों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। असम पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक भास्कर फुकन ने कहा कि असम दर्शन के अधीन राज्य भर में शौचालय, वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजल और विश्राम केंद्र का निर्माण या विकास किया जाना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर बल दिया गया है। श्री फुकन ने कहा कि नदी पर्यटन असम में मांग रखने वाले क्षेत्रों में से एक है और असम सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए ब्रह्मपुत्र का उपयोग करेगी। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। सरकार अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में जल्दी ही 3 खेलकूद उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी। केंद्रीय खेल और युवा कार्य राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य में खेलकूद संबंधी बुनियादी सुविधाओं पर कल ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। ये केंद्र मार्शल आर्ट, भारोत्तोलन और मुक्केबाजी के लिए होंगे। किरेन रिजिजू ने कहा कि इनमें 300 खिलाड़ियों के रहने की सुविधा होगी। यहाँ लोग खेलते भी हैं, स्पोर्ट्स लविंग हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक अरुणाचल से ना ओलंपिक्स में ना एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन हुआ है। तो हमारा एक सपना है कि अरुणाचल के बच्चे भी अगले एशियन गेम्स, ओलंपिक्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी चैंपियनशिप मैचेस होते हैं सब में हमारे बच्चे भी जाना चाहिए। सरकार राज्य में अगले 3 वर्ष में एस्ट्रो टर्फ मैदान के साथ 12 से 15 फुटबॉल स्टेडियम भी तैयार करेगी। उन्होंने घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश इस वर्ष पूर्वोत्तर युवा महोत्सव की मेजबानी करेगा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मीन और राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने और देरी से बचने के लिए आधार से जुड़े भुगतान को मंजूरी दे दी है। ये फैसला राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया। इसका उद्देश्य वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाना और देरी से बचना है। परिषद ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में पेंशन के लंबित मामलों की गहन छानबीन करें। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आधार संख्या से जुड़े सभी पात्र और लंबित मामलों को उपायुक्त इस महीने के अंत तक सामाजिक कल्याण निदेशालयों के पास भेज दें।
परिषद ने सामाजिक कल्याण विभाग को भी निर्देश दिया कि वे 40 वर्ष से कम उम्र की उन सभी विधवाओं को भी शामिल करें जो अभी मौजूदा योजनाओं के दायरे से बाहर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार मेरी पहचान। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में रंगीन गेहूं की खेती किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध हो सकती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंगीन गेहूं की ये किस्में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। गेहूं के साथ जामुन के सत्व को मिलाकर इन्हें तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला गेहूं की एक नामी किस्म शरबती की पैदावार के लिए विख्यात है, लेकिन अब देश में रंगीन गेहूं की खेती में अपनी नई पहचान बना रहा है। जिले के किसानों ने इस साल लगभग 280 एकड़ में उच्च पोषक तत्व वाले काले, नीले और बैंगनी गेहूं की खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से बात करते हुए उप संचालक कृषि PK चौकसे ने बताया कि विदिशा जिले में पहली बार नवाचार के रूप में रंगीन गेहूं की खेती की गई है। किसान इस नए गेहूं को ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं और निश्चित है अगली वर्ष लगभग ये 500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में नया प्रयोग सफल होगा। इस तरह के विशेष गेहूं की खेती सामान्य गेहूं की तरह ही होती है, लेकिन रंगीन गेहूं की कीमत सामान्य शरबती गेहूं की तुलना में 500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हृदय रोगों, मधुमेह और मोटापे को कम कर सकता है। रंगीन गेहूं बच्चों में कुपोषण दूर करने में भी सहायक है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन और जिंक अधिक मात्रा में होता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर कांग्रेस गठबंधन के 13 विधायकों के त्यागपत्र के कारण सरकार पर संकट गहरा गया है। कांग्रेस के 9 और जनता दल सेक्युलर के 3 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में कल त्यागपत्र दिए और बाद में राजभवन में राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाकात की। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों ने विजयनगर के विधायक आनंद सिंह सहित कुल 13 विधायकों के त्यागपत्र मिलने की बात कही है। हालांकि जनता दल सेक्युलर के विद्रोही विधायक AH विश्वनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस और उनकी पार्टी के 14 विधायकों ने त्यागपत्र दिए हैं। राजनीतिक भंवर में फंसे सत्तारूढ़ गठबंधन को 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। अगर त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाते हैं तो 224 सदस्यों की विधानसभा में गठबंधन का बहुमत नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस आरोप का खंडन किया है कि वह कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच मतभेद ही राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का कारण है। भाजपा मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि कर्नाटक में विधायकों के त्यागपत्र में उनकी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदकर उनकी गठबंधन सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नई दिल्ली में कहा कि पूर्ण बहुमत वाली कर्नाटक सरकार को दल बदल और त्यागपत्र के दम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। सूडान में प्रदर्शनकारियों की मांग स्वीकार कर लिए जाने के बाद सत्तारूढ़ सैन्य परिषद के सामने संकट अब खत्म हो गया है। अलायंस फॉर फ्रीडम एंड चेंज और सैन्य परिषद एक संयुक्त सत्तारूढ़ निकाय बनाने पर सहमत हो गए हैं जो असैन्य सरकार के गठन का रास्ता बनाएगा। दोनों पक्ष अगले सप्ताह तक इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद अलायंस फॉर फ्रीडम एंड चेंज ने इस महीने के अंत में प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा दिवस के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। प्रमुख विद्रोही नेता अहमद अल राबी और खालिद उमर ने समाचार एजेंसी AFP को पुष्टि की कि उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन रद्द कर दिया है। सूडान में विरोधी आंदोलन से जुड़े चिकित्सकों के अनुसार 3 जून तक कम से कम 136 लोग मारे गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या कम बताते हुए 78 लोगों के मारे जाने की बात कही है।
सऊदी हज मिशन ने सऊदी अरब में अधिक से अधिक हज यात्रियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाई है। सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब में भारतीय राजनयिक हज ऐप के मदद से हज यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं और सेवा में सुधार के लिए उनके सुझाव भी हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रा संचालन के बारे में जानकारी देने के लिए कल आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय राजदूत डॉ. औसफ सईद ने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये ऐप हज यात्रियों को उनके हज सेवा समन्वयकों से भी जोड़ेगा। डॉ. सईद ने कहा कि भारतीय हज यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता प्रणाली ई मसीहा पर यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ऑनलाइन एकत्र की जा रही है। भारतीय हज यात्रियों की आपात स्थिति में मदद के लिए मक्का और मदीना में 19 चिकित्सालयों के अलावा 90 बिस्तरों वाले 4 अस्पताल भी बनाए गए हैं। इस वर्ष भारत से 2,00,000 हज यात्रियों के सऊदी अरब जाने की आशा है। जम्मू कश्मीर में इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 81,600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए हैं। यात्रा के छठे दिन कल 14,400 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमंग नरूला ने यात्रा के रास्ते में स्थित विभिन्न शिविरों में स्वच्छता समेत सभी प्रबंधों की समीक्षा की। पहलगाम विकास प्राधिकरण और सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर श्राइन बोर्ड संबंधित इलाकों में इंतजाम में जुटा है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को रास्ते की साफ सफाई सुनिश्चित करने और पर्यावरण संवेदनशीलता का ध्यान रखने के लिए निर्देशों का पालन करना होता है। और अब खेल समाचारों के साथ खेल डेस्क से हैं निखिल कुमार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 264 रन बनाए। भारत ने 44वें ओवर में 265 रन बनाकर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा ने 103 और केएल राहुल ने 111 रन बनाए। एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हरा दिया। सेमीफाइनल में मंगलवार को भारत का सामना न्यूजीलैंड से और बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। पारूपल्ली कश्यप कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने देर रात चीनी ताइपे के वांग जुवेई को हराया। फाइनल में कश्यप चीन के ली शीफेंग से खेलेंगे। भारतीय एथलीटों ने कल कजाकिस्तान के अल्माटी में कासानोव मेमोरियल प्रतियोगिता के पहले दिन 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। मोहम्मद अफजल ने 800 मीटर दौड़, गगनदीप सिंह और नवजीत कौर ढिल्लो ने चक्का फेंक में स्वर्ण पदक जीते। विंबलडन टेनिस में राफेल नडाल अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सेरेना विलियम्स भी अंतिम 16 में पहुंच गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। कर्नाटक के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर लगभग सभी अखबारों की नजर है। जनसत्ता लिखता है 13 विधायकों ने इस्तीफे सौंपी। हिंदुस्तान के शब्द हैं संकट के बादल, 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में शास्त्री जी की प्रतिमा के अनावरण और आलोचना करने वालों को पेशेवर निराशावादी करार देने को अखबारों ने विस्तार से दिया है। बैंकों को कारोबारी नीरव मोदी से बकाया पैसे की वसूली करने की इजाजत मिलने की खबर देशबंधु में है। गुलाबी नगरी विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की खबर जनसत्ता ने विरासत शीर्षक से दी है। प्रधानमंत्री ने कहा जयपुर संस्कृति और शौर्य के साथ जुड़ा शहर। विश्व कप में भारत की कल की जीत भी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दी है। विश्व कप में रोहित का बना रिकॉर्ड, एक ही विश्व कप में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज। मौसम विभाग के हवाले से अखबारों ने लिखा है कि मॉनसून रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों सहित दिल्ली में ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सरकार रेलवे को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 2030 तक 50,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 300 से अधिक पर्यटन स्थल विकसित करेगी। केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 3 खेल कूद उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा।
सूडान में सत्तारूढ़ सैन्य परिषद के विद्रोहियों की मांग स्वीकार करने के साथ ही राजनीतिक